देखो मैं चाहता हूँ आप माशाल्लाह इतने अच्छे हो, तुम्हारे अच्छे टेस्ट पास हो कर रहे हो अच्छे। देखो जितना अच्छा पढ़ोगे, जितने अच्छे आदमी पढ़ता है जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा उसके मार्क्स आते हैं, अच्छे पेपर कामयाब होते हैं कि पेपर में तो उसी पोजीशन आती है, तो उतना अच्छा बड़ा होकर अच्छा ऑफिसर आदमी बनता है। समझ पापा जी मुझे माँ मार के बुरी हालत कर दिया, मैं क्या ऑफिसर बनने के लायक हूँ गई? नहीं बेटा मैं तो वो मैंने तुम हल्का मजाक में जितना करते ज़्यादा शरारत करते तो मैं तुम्हें कुछ मतलब ट्रीटमेंट करता हूँ, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ बेटा। ये तो शरारतें ना करो ना, अल्लाह ना करो मेरे को इतना ज़्यादा तो मैं तो नहीं मारता ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं मेरे बहन भाइयों, मेरे व्लॉग और यूट्यूब के साथियों, अल्लाह सबको खैर फीस रखे, मेरी फैमिली तमाम बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ और ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब करें। एक नए व्लॉग के साथ आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ बच्चों के साथ। एक बात यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, असल में मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, अल्लाह पाक मेरे समय सबकी परेशानी गुरबत दूर करे जो मेरे तरह मसायल का शिकार है। तो बाई नेचर सादगी भी है, ये सिर्फ गुरबत की वजह से नहीं है, यानी कि फितरतन जो है ना मेरी तबीयत ऐसी है। तो मेरा व्लॉग भी मेरी तरह सीधा सादा और गरीब सा व्लॉग होता है, तो इस बात के कतर नज़र उम्मीद है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। सुमान क्या कर रहे हो? नहीं करो बेटा शरारते नहीं करते ना। बात सुनो, देखो मैं चाहता हूँ आप माशाल्लाह इतने अच्छे हो, तुम्हारे अच्छे टेस्ट पास हो कर रहे हो अच्छे। देखो जितना अच्छा पढ़ोगे, जितने अच्छे आदमी पढ़ता है जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा उसके मार्क्स आते हैं, अच्छे पेपर कामयाब होते हैं कि पेपर में तो उसी पोजीशन आती है, तो उतना अच्छा बड़ा होकर अच्छा ऑफिसर आदमी बनता है। समझ गया, मैं चाहता हूँ पुत्र बहुत अच्छा पढ़े होगा, इंशाल्लाह अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा ऑफिसर बनेगा, ठीक है ना? माँ मार के बुरी हालत कर दिया, मैं क्या ऑफिसर बनने के लायक हूँ गई? नहीं बेटा मैं तो वो मैंने तुम हल्का मजाक में जितना करते ज़्यादा शरारत करते तो मैं तुम्हें कुछ मतलब ट्रीटमेंट करता हूँ, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ बेटा। भाई मैं लोहे का थोड़ा ही हूँ, चमड़ी का बना हूँ ना, आप देखते आए नहीं हो पीछे काम मारना है तो मैं ऑफिसर बनने को भी लायक हूँ? नहीं बेटा देखो मैं तुम्हें अल्लाह ना जुल्म तो नहीं करता ना, अलगी या डांट वो औलाद की बेहतरी के लिए, औलाद को याद रखना चाहिए कि बाप ने मुझे क्यों डांटा है। समझ गए ना कि बाप ने मुझे क्यों डांटा है, मेरी गलती है, आंदा गलती ना करूँ। जो मामा ने मुझे डांटा है वो समझाती है, मैं समझूँ, समझ गए, तो वो उसकी बेहतरी के लिए होती है, इन फ्यूचर उसके काम आती है, उसकी ज़िंदगी बनती है बेटा। बस तौबा करो, मतलब शरारतों से तौबा करो, शरारत ना किया करो, समझ गए ना, मुझे गुस्सा ना चढ़ा करो, तुम्हें मारना पड़ा करे। बाल कहाँ से लाए हो भाई? वो ये बैग के साथ लाया था। अच्छा सही है, ठीक है, ठीक है, दवाई पी रहे बच्चे तो बाद में 7-2-6 महीने दोबारा, ठीक है, ना सुने पहले तो अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह आराम देखिए। जैसे आप विराग में देख चुके हम चाह रहे थे, 3-4 से तबीयत खराब है, दुआ करें, अभी भी इसकी ट्रीटमेंट जारी है, दवाई दे रहे हैं, अभी इसका बाहर पूरा नहीं उतरा है, अभी कुछ देर पहले इसने दवाई ली है, तो आपकी दुआओं की जरूरत है फिर वही होगी कि दुआ करें ठीक हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाए और मेरा बच्चा जल्दी उठे, आते हैं इसको जो भी पढ़ लिखा है माशाल्लाह लिख के दें, कोई चीज़ ले आता है, मैं घर ना उस मामा भेज देती है बाहर कोई चीज़ मंगाने के लिए, कोई बेचारा आगे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब सेंसेबल है कि
के चीज़ें वगैरह ले आता है, कोई भी उसको अगर पीछे भेजें तो भाई छोटा भाई इसको अकेडमी भी उसको मतलब छोड़ने और लेने के लिए जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला से सेहत दे। चुप मानी क्या कर बेटा, थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद क्या अच्छा उस तो भी वैसे ठीक नहीं थी बेचारी की, अल्लाह से दे उसको यार, अल्लाह सलामत रखे आपकी माँ की, आपकी माँ को अल्लाह सलामत रखे, उसे ज़िंदगी अता करे बेटा, इस माँ की खिदमत किया करो, माँ की दुआ लिया करो, माँ की दुआ शाबाश, माँ की खिदमत किया करो, माँ पर ना गिरना। अच्छा देखो पुत्र माँ के ऊपर ना गिरना छदी, माँ के ऐसे बस ऐसे बैठना। अच्छा माँ की खिदमत किया करो, दुआ लिया करो बेटा, दुआ अल्लाह ताला की माँ को सलामत रखे, शाबाश, और उसकी ज़िंदगी से भाई लॉलीपॉप खाओ, दस का बबल बबल भी होता है। नहीं बेटा आप खाओ एप्पल, एप्पल फ्लेवर देखो अच्छा बेटा, ज़्यादा ना खाया पेट में तकलीफ देते हैं चीज़ें है। बेटा है लेकिन कम खाना चाहिए, नहीं कम खाना चाहिए ना, वो बिस्किट वाला कोई चीज़ ले लिया करो, ये समझ गए ना, ज़्यादा नहीं खाते हमारे बच्चे, खुराक चेंज करनी होती है ना, ये खुराक तो नहीं है ना, ये वैसे हम मामा को पाऊंगा ना देखो बाद में। आज पकाने के लिए क्या लूँ बता दो ना अभी जी। उस्मान जी पापा जी आज आलू की टिक्की बनानी है तो आलू ले आओ और धनिया वगैरह ले आओ, ये जो काली मिर्चा का पाउडर हो गया ये। अच्छा और अंडे भी जी, अंडे भी लाने हो, केचप भी, केचप जरूरी है, केचप बगैर मैं नहीं खाता। क्यों बेटा सिर्फ उसे मिर्चा होती है ना, मिर्चा रहती है ना गले पे तो इसलिए फिर खाने नहीं होता। अच्छा। मजा आता है। चलो जी चलो ले आते हैं इंशाल्लाह जी। सब्जी की दुकान पे आ गए जी, बच्चे से पूछते हैं सलामकाम सब खैरी सर, ठीक ही कम ठीक जा रहा। लो जी बच्चे आज कह रहे हैं जी अपने मामा से मुझे आलू की टिक्कियाँ बनाओ जी, तो उनके लिए मैं आलू वगैरह और साथ और चीज़ें ज़रूरी हैं इनके लिए ले आया हूँ जी। अब इंशाल्लाह मामा उठने वाली है, चलिए तबीयत ठीक नहीं, लेकिन बच्चों के लिए फिर भी कोशिश करती है कि मैं बच्चों को भूखा ना सहने दूँ, जो इतनी हिम्मत अभी मतलब उसकी हिम्मत से तय करती है बेचारी फिर भी। आलू ले आयो हाँ जी, बड़े माशा अच्छी बात, रक्षे वाले अच्छी बात है, नज़दीक से ले आके आ गई हो हैं, ठीक है आप ही को दे दो वो, ये भी साफ करके जो पहले वाले आलू हैं ना उनके मिक्स रख दो। हाँ हाँ कल हम वीडियो ऐसे अपलोड करने लगे तो अचानक से इमरजेंसी ये बन गई है, क्योंकि हमारा बच्चा देखे कितना कमज़ोर है, कितने दिन से बीमार है, अचानक से ना ये उठा है तो फौरन पता नहीं इसका शुगर लो हो गया, इतना कमज़ोर है तो ऐसे गिर गया बिल्कुल, ऑंठ इसके नीले ऐसे इसकी दांत गिर के जबान आ गई तो मेरी जैसे जान निकलने लगी, फौरन इसको उठा के इमरजेंसी में लेके गए तो कुछ इसके टेस्ट भी रहते हैं कुछ हुए तो इसकी शुगर बहुत लो हो गई थी, तो ये गिर के कितने दिन से बीमार है तो
अभी मैंने मुश्किल से इसको उठाया तो ये काफ़ी कम थोड़ा बहुत मैंने कहा नाश्ता करे, ये इतना कमज़ोर है, फिर इसको मैं दूँगी मेडिसिन। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बच्चों को कुछ ना करे, किसी दुश्मन के बच्चों को भी। ये माँ बाप को पता होता है, उन्हें बर्दाश्त होती है, भी ये डिसेबल सुनता नहीं है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा टेंशन होती है। बाकी भी बहन भाई देखते हैं ना तो फिर परेशान होते हैं, बार बार को हम टेंशन इसलिए करते हैं बच्चे को टेंशन ना दें। आप सब बहन भाई हमारे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। का करते हैं एग्जाम, इसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाना था, अभी इसके लिए दुआ कीजिएगा, अभी ले इसको दोबारा लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।